50 वाट का ट्यूबलाइट है, देख सकते हैं। कहीं भी आप लोग को लगाना, जैसे दीवार में लगाना है तो इस तरीके से चपका देंगे तो इसमें एक न्यूट्रल और एक फेस जुड़ जाएगा। नमस्कार सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सऊदी अरबिया में आ चुके हैं और यहाँ पे एक मतलब छोटे से हॉल है, उसमें हमें लाइट लगाना है टेम्परेली के लिए। बाद में यहाँ पर सीलिंग होगा तो वो लाइट निकाल दिया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे लाइट लगता है और कौन सा लाइट आता है, कौन सा पट्टी आता है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहे, चैनल पर नए फ्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्यूबलाइट आया हुआ है और एक 50 वाट का ट्यूबलाइट है, देख सकते हैं। चार ट्यूबलाइट है और चारों ट्यूबलाइट को यहाँ पे लगाना है। देखिए यह हाल है, यहाँ पे लगाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फीसर जो गुल्ली बोलते हैं ऐसे आता है, उसके बाद ब्लैक स्क्रू और यहाँ पे पट्टी दिखा दें तो पट्टी इस तरीके से आता है। देखिए यह है केसिंग पट्टी, हाफ इंच का पट्टी है। इसमें देखिए यहाँ पे कितना हार्ड और कितना अच्छा पट्टी आता है। और ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे देखिए चपकाने वाला आता है, मतलब कि कहीं भी आप लोग को लगाना, जैसे दीवार में लगाना है तो इस तरीके से चपका देंगे तो चपका रह जाएगा, देख सकते हैं। तो इसीलिए इस छत उतना हम लोग चपका देते हैं। देखिए जैसे अभी हम इतना दूर पर लगाए हैं ये लाइट है और इतना दूर हम पट्टी लगाए हैं, अब यहाँ से ले कर वहाँ तक चार लाइट लगाएंगे, देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट लगाते हैं। और इस ट्यूबलाइट को लगाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे दो स्टैंड दिया हुआ है, इस स्टैंड को दीवार में या चाहे छत में फिट कर लेना है। कनेक्शन की बात किया जाए तो 220 वोल्टेज से चलता है, देख सकते हैं। और दो वायर है, एक अर्थिंग का वायर है, ये अर्थिंग वाला वायर अर्थिंग में जुड़ जाएगा, इसमें एक न्यूट्रल और एक फेस जुड़ जाएगा। तो चलिए फटाफट फिट करके दिखाते हैं। केसिंग पट्टी का काम कहीं भी करें तो सबसे पहले निशान लगा लें, चाहे वो छत में हो चाहे दीवार में। पहले हम निशान लगा लिए हैं और यहाँ स्टिकर वाला केसिंग पट्टी आता है तो देखिए कितना आसानी से चपका देते हैं। बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा दूर पे ड्रिल मार देंगे। देखिए यहाँ पे केसिंग पट्टी का ढक्कन निकालिए, उसके बाद पीछे स्टिकर लगा है उसको निकालिए, उसके बाद कहीं लगाइए, देख सकते हैं ये स्टिकर है। इस स्टिकर को निकाल देंगे, इस पर एक प्लोथिन आता है, प्लोथिन को बाहर कर देंगे तो इसको कहीं भी चपकाएंगे तो आसानी से चपक जाएगा, देख सकते हैं। और जहाँ पे केसिंग पट्टी में स्टिकर नहीं रहता तो सबसे पहले निशान लगाते हैं, निशान लगा के ड्रिल मार लेते हैं, ड्रिल मार के उसके बाद उसको रख के और एक एक पेच टाइट कर देते हैं, आराम से रुक जाता है। यहाँ पर देखिए स्टिकर है तो कितना आसानी से काम हो रहा है। कहीं भी लगाना हो तो हम लोग निशान पर चपकाते चले जाएँगे। उसके बाद जो ट्यूबलाइट में से स्टैंड निकला हुआ है उस स्टैंड को रख के निशान लगाएंगे और निशान लगाकर बराबर इसमें ड्रिल मार देंगे। जहाँ पे जो निशान आएगा ट्यूबलाइट के हिसाब से उसको स्टैंड को पहले फिट कर लेंगे, बाद में बारी बारी से उस ट्यूबलाइट को फिट करते चले जाएंगे। ट्यूबलाइट में जानते ही आपको दो वायर रहता है, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो उससे पहले पूरा ट्यूबलाइट को देख लेंगे, रख कर कहाँ कहाँ पर हमें स्टैंड लगाना है तो वहीं पे लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस ट्यूबलाइट को एक लाइन से फिट करते जाएंगे। दो तार डौलाएंगे, दो तार में चार लाइट आराम से जल सकता है। ट्यूबलाइट है 50 वाट का है, तार यहाँ पे बहुत हेवी तार आता है, यहाँ पे एमएम के हिसाब से नहीं आता है, नंबर के हिसाब से तार आता है। जैसे 12 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, इस तरीके से यहाँ पे तार आता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को तार के साथ दिखाएंगे, अभी तार का बंडल नहीं है मेरे पास, खुला तार है इसलिए आप लोग को नहीं दिखा रहे। देख तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो है हम लोग फिट कर दिए हैं और पूरा रोशनी हाल में हो चुका है। देखिए इस लाइट से लिए हैं और इस लाइट से लिए हैं, दो दो लाइट, चार लाइट है तो दो इस स्विच से कर दिए, दो इस स्विच से और चार लाइट जो है ऊपर में लगा दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दो स्विच है और ये अभी सऊदी अरबिया में स्विच सॉकेट आप लोग को दिखा देते हैं। सॉकेट है जो 20 एम्पियर का आता है, लेग ग्रैंड कंपनी का है। इसमें यहाँ पे जो है बहुत छोटा छोटा स्विच लगता है, देख सकते हैं ये इसमें तीन स्विच बैठेगा, जो अभी ऑलरेडी दो स्विच लग चुका है, एक स्विच बाद में लगेगा, कभी ज़रूरत पड़ा तो लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो इसी तरीके से काम होता है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ रात हो चुका है और लगभग यहाँ 7 बज रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।